अरे तुम्हारी दवाई भी ले ली है मैंने, चिंता मत करो, बस पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ मैं। अरे एक मिनट जरा, मैं क्या कर रहे हो भाई साहब आप? माफ कीजिएगा वर्मा। अरे शर्मा तू। अरे मेरे यार, सालों बाद। मैं करता हूँ अभी तुम्हें फोन। वो क्या ना, मैं इस शहर में नया आया हूँ। अरे वाह, अरे वाह, तू तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। अरे ज्यादा पैसे कमा लिए क्या? हाँ बस वो कुछ नहीं यार, वो बेटा लंदन में रहता ना, वहाँ जॉब करता है। अरे तेरा तो बेटा इकलौता है ना, वो लंदन जैसी बड़ी जगह पर नौकरी करता है। अरे वाह, तेरी तो लाइफ सेट है। और ये घड़ी तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ ये भी बेटे ने लेके दी है, बता रहा था 1,00,000 रुपए की है। देख तेरा बेटा कितना लायक है, लंदन में नौकरी करता है, तुझे अच्छे से लगता है, तुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े देता है और तेरी लाइफ स्टाइल को कितना मेंटेन रखता है। घर तो आता होगा ना वो? हाँ वो पिछले 3 साल से घर नहीं आया है, वहीं सेटल हो गया ना। खैर मेरे बेटे की छोड़, तेरी भी तो एक बेटी है। हाँ बेटी तो है, काश मेरा भी एक बेटा हो। क्या कर रही है हमारी बिटिया रानी? ठीक ही है, जॉब करती है और घर में रहती है। वाह तू तो बहुत लकी है यार, जो तेरी बिटिया तेरे साथ रहती है। क्या तू मेरी कंडीशन का मजाक उड़ा रहा है ना? मैं भी चाहता था कि मेरे भी एक बेटा हो, बदकिस्मती से मेरी बेटी हुई, मेरी तो किस्मत खराब है। तेरी किस्मत खराब है? अरे दोस्त किस्मत तो तूने पाई है, तेरी बेटी तेरे साथ तो है और एक मेरा इकलौता बेटा, कितने प्यार से मैंने उसको पाला पोसा, क्या क्या करके उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज जब हमें उसकी जरूरत थी तो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर वो बिना सोचे समझे वहां लंदन इतनी दूर जाके सेटल हो गया। ये ठीक है कि रहना सहना अच्छा हो गया, हर महीने पैसे भी भेजता है, जरूरतें भी पूरी करता है, लेकिन अकेला कर गया दोस्त, बुढ़ापे में जो मेरी इकलौती औलाद मेरी छड़ी होनी चाहिए थी, आज वो मेरे या मेरी बीवी के पास वो छड़ी नहीं। आज अगर भगवान ना करे मेरी बीवी को कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो हम किसे आवाज देंगे? बहुत खुश नसीब है यार, और तेरी बिटिया ने शादी की? नहीं उसने शादी नहीं की, उसने शायद शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे पता है कि उसकी शादी करने के बाद तू अकेला पड़ जाएगा, तू किसके सहारे रहेगा। अरे कितना सोचती है वो तेरे बारे में यार, वो पहले तुझे सेटल करना चाहती है, एंड आई एम श्योर वो पहले तेरी देखभाल तुझे सेटल करना चाहती है और फिर उसके बाद वो अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगी, और तू कहता है कि तू बदनसीब बाप है, ऐसी बिटिया तेरे पास हो, तू अपने आप को फिर भी बदनसीब कहता है। बदनसीब तू नहीं है दोस्त, बदनसीब तेरी सोच है। ये लड़के लड़की में भेदभाव करना बंद कर दे यार, बहुत किस्मत वाला है तू। आज के वक्त में औलाद वो सफल है, और धन्य है वो माँ बाप जिनके पास ऐसी औलाद है जो उनके सही वक्त पर, उनकी जरूरत के वक्त पर, उनके बुढ़ापे में उनके काम आए।
तेरी बिटिया तेरे साथ तो है। अरे पागल, तू कहता है तुझे बेटा चाहिए? यकीन मान, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे तेरे जैसी बिटिया मिले। पैसे भले ही कम हो यार, लेकिन कम से कम वो मेरे साथ तो है, मेरे मेरे दुख सुख का सहारा तो है। उसका क्या करूं मैं, ये लाखों की घड़ियों का, ये गाड़ियों का, ये बंगलों का क्या करूं, जब मेरी खुद की औलाद उससे बात करने के लिए भी मुझे घड़ी देखनी पड़ती है। यार तेरी बिटिया तेरे साथ तो है भाई, कम से कम इतना ध्यान तो रखती है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, दवा टाइम पे ली कि नहीं ली, और तू भी अपने दिल की बात तो उसे कर सकता है। और यहां एक मैं और एक तेरी भाभी, बस हम दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं। मैंने तो ये बात बिल्कुल नहीं सोची थी कि मेरी बेटी मेरे बारे में कितना सोचती है। अरे कितनी समझदार है यार तेरी बेटी, लेकिन आज की हर औलाद ये बात को क्यों नहीं समझती कि जिन माँ बाप ने बचपन से उनकी हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जब कोई रास्ता खराब आया तो उनको उठा के अपने कंधे पे बिठा लिया, वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे की जरूरत है। दोस्त एक बात मैं बताऊं, हर माँ बाप को, हम लोगों को बुढ़ापे में छड़ी चाहिए, औलाद की छड़ी, उसका हैंडल, चाहे सोने का हो, पीतल का हो या लकड़ी का हो, मायने वो नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वो छड़ी हमारे साथ है। और जब उसी माँ बाप को वो छड़ी चाहिए हो तो वो छड़ी चल चल छोड़ यार, चल चलते। यार देर से मिलके आज दिल खुश हो गया, और भाभी के हाथ की चाय तो इतनी याद आती है, और भाभी खुद बहुत याद आती है यार। देख शर्मा, आ गया मेरा घर। यार वर्मा, घर तो बड़ा प्यारा बनाया यार तूने। अरे घर अंदर से तो और भी प्यारा है, चला मेरी बेटी बहुत अच्छी चाय बनाती है, आ तुझे चाय पिलाता हूँ। अरे पापा, अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बिटिया, खुश रहो खुश रहो। अच्छा पापा, मैंने आपकी दवाई टेबल पे रख दी है और खाना रेडी कर दिया है, मेड को बोल दिया वो सारा काम करके जाएगी, आपको दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और आपकी तबीयत खराब है ना तो टाइम से दवाई ले लेना और खाना खा लेना। ओके अब मैं चलती हूँ। बेटा क्या हुआ पापा आपको? अरे कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम जाओ जाओ, खुश रहो बेटा जाओ। शर्मा तू सही कह रहा था, बेटा हो या बेटी, औलाद वही अच्छी जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सके। मेरी बेटी लाखों में एक है शर्मा, लाखों में एक है। ध्यान रखना उसका, अब आ गई समझ, याद रखियो और उसका ध्यान रखियो। चला चाय पिला।